घीये की सब्जी और घीये के कोफ्ते तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन आपने कभी घीये की बर्फी बना के खाई है? तो आज मैं आपको घीये की बर्फी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस बर्फी को आप 15-20 मिनट में घर पर आसानी से बना सकते हो। इसे आप नवरात्रा या किसी भी व्रत में भी बनाकर खा सकते हो। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा मीना की रसोई में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल सीमा मीना की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी रेसिपी समझ आएगी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो घिया ली है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल कच्ची वाली घिया ली है बर्फी के लिए। बर्फी बनाने के लिए कच्ची घिया ही बेस्ट होती है। अब हम घिया को छिल लेते हैं। ये देखिए, मैंने 1 घिया छिल ली है। इसी तरह हम सारी घिया को छिलकर तैयार कर लेंगे। सारी घिया को मैंने अच्छे से छिल लिया है और अच्छे से धो भी लिया है। फ्रेंड, धोने से इसमें चिपचिपा होता है वो निकल जाता है। अब इसे ग्रेट करेंगे। इसे हम डायरेक्टली कद्दूकस करेंगे, क्योंकि हमारी घिया में बीज नहीं है, ये बिल्कुल कच्ची है। फ्रेंड्स, अगर आपकी घिया में थोड़े बीज हैं तो उसको निकाल कर कद्दूकस करें। ये देखिए, 1 किलो घिया को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसका कलर भी डार्क होने लगा है। अब हम सारी घिया का पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। ऐसा करने से घिया की बर्फी बनाने में समय कम लगेगा। मैंने सारी घिया का पानी निचोड़कर अलग कर लिया है। यह इतना सारा पानी निकल गया है। फ्रेंड्स, घिया काटने के बाद तुरंत ही इसका कलर डार्क हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1.5 बड़े चम्मच देसी घी। इसकी जगह आप वनस्पति घी और किसी भी घी का यूज कर सकते हो। बर्फी बनाने के लिए घी मेल्ट होते ही इसमें हम कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखनी है। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर लौकी को पका लेना है। फ्रेंड्स, घी में भूनने से लौकी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी लौकी नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए, लौकी में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। अब इसमें चीनी डाल देंगे। 1 किलो बर्फी में मैंने 200 ग्राम चीनी ऐड करी है। वैसे आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हो। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, लौकी के साथ चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसे ही चीनी मेल्ट होगी ना तो चीनी पानी छोड़ेगी। फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हो, बट मैं इसे खुले में पका रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाए। ये देखिए, इसमें सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दूध डाला है। अब इसमें थोड़ा सा इसमें फूड कलर लिया है वो डाल देंगे। मैंने एक ग्रीन कलर का फूड कलर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, फूड कलर डालना ज़रूरी नहीं है, इससे आप ऐसे भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे ताकि हमारे दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। फ्रेंड, दूध को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। तो ये देखिए, घिया हमारी दूध में अच्छे से पक गई है और काफ़ी ड्राई भी हो गई है। अब इसे फ्लेवर के लिए इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, हमारी लौकी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे भी खा सकते हो हलवे के रूप में। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम एक ट्रे ले लेंगे या फिर एक थाली ले लेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से हाथ से फैला लेंगे। इसे आप ब्रश से भी फैला सकते हो। घी क्यों लगाते हैं? जब हम बर्फी को सेट होने के बाद निकालते तो काफ़ी आसानी से निकल जाती है। अब हम सारा बर्फी का मिश्रण ट्रे में डाल देंगे। अब इसे पतला पतला इस तरह से फैला कर सेट कर लेंगे।
ये देखिए मैंने सारा मिक्सर अच्छे से फैला लिया है। अब हम बर्फ़ी को डेकोरेट करेंगे। यहाँ मैंने बादाम के छोटे छोटे टुकड़े काट कर ले लिए हैं। इसमें आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट काट कर डेकोरेट कर सकते हो बर्फ़ी को, और बादाम को दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसे सेट करने के बाद 4 से 5 घंटे पंखे के नीचे रख सकते हैं या फिर फ्रिज में रख कर सेट कर सकते हो। ये देखिए हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम चाकू से काट कर अपनी पसंद के छोटे बड़े पीसेज कट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी को आप जिसको भी खिला दोगे ना तो हर कोई अपनी तारीफ ही करेगा, क्योंकि यह है इतनी टेस्टी, लाजवाब और मुंह में घुलने वाली। फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना। इसको आप नवरात्रा के व्रत में या किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हो, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आज की मेरी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।